चलो भाई मैंने यहाँ से भी सारा कूड़ा उठा लिया। अब चलो भाई अगले वाले कॉलोनी में चलूंगा और भाई वहाँ से भी सारा कूड़ा उठा लूंगा और भाई फिर तो अपनी छुट्टी हो गई काम से। चलो भाई अभी फटाफट से उठाते सारा कूड़ा। बट वैसे भाई अभी टाइम क्या हुआ है रुको भाई देखने, तो 11:10 हो गए। चलो भाई काम करता आधे घंटे के अंदर अपना सारा काम निपटाता हूँ और फिर चलूंगा भाई मस्त तरीके से घर पे जाकर आराम करूंगा। चलो भाई कूड़ा निकालो, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकालो। चलो भाई कूड़ा वाला आया कचरा निकालो फटाफट से। ये देखो भाई ये मिश्रा जी ने अपना कूड़ा निकाल के रखा है। चलो भाई अभी फटाफट से सारा कूड़ा उठाता हूँ और भाई आखिरी 2-3 घर बचे हुए वहाँ से भी कूड़ा उठा लूंगा। वैसे भाई मिश्रा जी आप मेरे पैसे कब देने वाले हो इस महीने के? अरे फ्रैंकलिन दे दूंगा कुछ दिनों में। अरे क्या यार तुम यार कितना टाइम लगाते हो मेरे पैसे देने के लिए? फ्रैंकलिन क्या करो यार अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है। अरे क्या यार मिश्रा जी आप भी यार जल्दी से मेरी पेमेंट दे देना क्योंकि यार भाई साहब मुझे भी अपने घर का सामान लाना होता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन वो तो मुझे भी पता है बट यार मैं क्या करूँ यार मेरा बॉस बड़ा हरामी है वो पैसे देता नहीं है जल्दी। अरे क्या यार तुम्हारा बॉस भी एक काम कर रहा है उसको जल्दी बोल देना कि भाई मुझे अपने कूड़े वाले को पैसे देने भाई फटाफट से तुम्हारी पेमेंट देने के लिए। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन कल ही बोल कर देखूंगा। अच्छा ठीक है चलो गाइस अभी फटाफट से कूड़ा भी उठाता है और भाई वैसे अपनी गाड़ी तो भर चुकी है। ये देखो गाइस यहाँ पर मैंने कितना सारा कूड़ा भर के रखा हुआ है। यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन दी थी एक बंदे ने और यहाँ पर एक सोफा है वो भी टूटा हुआ है और ये पता नहीं भाई घर के ऊपर की छत है। छोड़ो भाई मुझे क्या करना है वैसे यार मैं कूड़े के अंदर क्यों घुसा हुआ हूँ? अब यार क्या मैं भी छोड़ो यार वैसे तो अपना एक काम है उसमें क्या शर्माना। चलो भाई फटाफट से कूड़ा उठाता हूँ। चलो मिश्रा जी मैं निकलता अभी। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन मैं तुम्हारे पैसे एक हफ्ते के अंदर दे दूंगा। अच्छा ठीक है यार पता नहीं भाई ये मिश्रा जी हर बार लेट करते भाई मेरे पैसे देने के लिए इसलिए गाइस यार मुझे एक महीना कंप्लीट होने से पहले इनके पीछे पड़ना पड़ता है कि भाई मेरे पैसे दे दो यार। चलो भाई कोई बात नहीं अभी ये देखो यार ये घर के बाहर भी मुझे कूड़ा उठाना है। चलो भाई फटाफट से कूड़ा उठाते लेट्स गो भाई। यार यहाँ पर भी चार बैग्स रखी हुई। अबे पागल है क्या? अबे साले मेरे ट्रक को ठोका। अबे यार इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले इसका तो मुंह फोड़ूंगा। अबे बाहर निकल चल साले टकले इतनी कौन सी जल्दी है भाई तुझे जो कि भाई तू मेरे ट्रक को आकर सीधा ठोकर आए साले तेरा तो टकला ही फोड़ दूंगा साले। अबे यार तू तो मुझे मारेगा। रुको गाइस अभी इसको बताता साले मुझे मारने का अंजाम क्या होता है। साला मेरे ट्रक को आकर ठोकेगा। अच्छा खासा भाई कूड़ा उठा रहा है यहाँ से वहा। और भाई अभी इसकी गाड़ी बीच में पड़ी हुई है एक काम करता है इसकी गाड़ी भाई यहाँ पर लगा देता हूँ साइड में। जब भाई बेहोशी की हालत से उठ जाएगा अपने आप चला जाएगा यहाँ से। पर छोड़ो भाई यार इन लोगों की वजह से मुझे लेट होता है अपना काम पूरा करने के लिए। छोड़ो भाई कोई बात नहीं साला टकला दिमाग खराब कर देता है मेरा तो। छोड़ो भाई इसको अभी ज्यादा भी नहीं मारते फटाफट से भाई यहाँ से भी अभी कचरा उठाते हैं और निकलते भाई आखिरी कुछ घर बचे हुए वहाँ का भी कूड़ा उठाएंगे फिर चलेंगे गाइस घर पे मजे करेंगे आज तो। चलो 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 भाई साहब अभी चलकर फटाफट से उस जादूगर से उसकी सारी की सारी जादू शक्तियां ले लूंगा। आज तो मैंने सोच लिया अगर उसने मुझे आज उसकी जादू शक्तियां नहीं दी तो यार इस हथियार से उसकी मैं जानी ले लूंगा और सीधा उसके सर के अंदर इसे मार दूंगा मैं। उसको तो वो छोड़ने नहीं वाला। वैसे यार ये चौक के बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है? चलो यार चलकर पूछ लेता हूँ अभी वो चौक के बच्चे तू यहाँ पर कर क्या रहा है? अब भाई सिंचान तू आ गया? बिल्कुल यार ये देख मैं आ गया। आ रहा देख आज मैं कितने जल्दी उड़ भी गया। अब भाई सिंचान मैं भी आज बड़ा जल्दी उड़ गया पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है। तू फिक्र क्यों करता है मुझे पता ना आज क्या करना है। बता बता भाई सिंचान क्या करने वाले आज हम लोग यार आज मिलकर उस जादूगर के बच्चे की जान लेंगे क्योंकि यार वो पूरे एक महीने से हमें ऐसे ही सता रहा है और यार वो हमें अपनी जादू शक्तियां दे नहीं रहा। अब छोड़ भाई सिंचान उसको मुझे नहीं लगता भाई उसके पास कोई जादू शक्तियां होगी। अरे वो चौप के बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखा था उसने अपने जादू शक्तियों का इस्तेमाल करके एक इंसान को बहुत सारा गोल्ला कर दिया था। अब क्या भाई सिंचान तू सच बोल रहा है? बिल्कुल यार मैंने अपने आंखों से देखा था इसलिए यार मैं भी चाहता हूँ कि यार वो मुझे और भी बहुत ज्यादा अमीर बनाए। अब पर भाई सिंचान अभी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे है ही फिर हमें क्यों चाहिए भाई इतने सारे पैसे है? क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मैं यार लॉस एंजेलस के अंदर सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन सकूं। अबे छोड़ना भाई सिंचान ये सपना। वैसे यार अभी तू देख यार हमारे पास कितना बड़ा मैंशन है और भाई महंगी महंगी गाड़ियां एकदम हाई टाइट सिक्योरिटी है। मुझे नहीं लगता भाई हमें और भी पैसों की जरूरत है। नहीं यार चौप मुझे तो चाहिए अभी बहुत सारे पैसे। अच्छा ठीक है भाई सिंचान जैसी तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है अभी तू मुझे एक बात बता वो जादूगर कहाँ पर है? अबे भाई सिंचान वो देख यार हमारे घर के उस पार ही रखा हुआ है उसको। अच्छा ठीक है अभी जाकर उसकी जान लेता हूँ। अबे भाई सिंचान पहले बात करके देखियो क्या पता इस बार वो तुझे अपनी जादू शक्तियां दे दे। हाँ वो तो देखना ही पड़ेगा। वैसे चौप तो आ रहा है? अरे हाँ सिंचान मैं आ रहा हूँ चल आगे मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है चलो चलो चलता बड़ा सिंह जादूगर के पास और जाकर उसके पास से जादू शक्तियां लेता हूँ। अरे तो तुम आ गए वापिस से? अरे हाँ मैं वापिस से आ गया। अब यार चलो बड़ा सिंह मुझे अपनी जादू शक्तियां दे दो। अरे यार सिंचान सर मैंने आपको 1000 बार कहा है कि मेरे पास कोई भी जादू शक्तियां नहीं है आप यार मेरी बात सुनते ही नहीं हो। नहीं यार मुझे तुम्हारी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम्हारे पास एकदम मस्तोली जादू शक्तियां थी। तो चलो यार अभी फटाफट से मुझे भी अपनी जादू शक्तियां दो ताकि यार मैं अपने घर के अंदर बहुत सारा गोल्डन डायमंड मंगवा सकूं। अरे पर सिंचान सर मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो बोलो कौन सी बात बता रहे हो तुम? सिंचान सर आप अगर मुझे अकेले को पकड़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी पर यार आपने मेरे बीवी बच्चों को भी पकड़ लिया। उनका क्या दोष था इसके बीच में? उनका दोष कुछ भी नहीं था बट यार तुम मुझे अपनी जादू शक्तियां दे ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करता यार मुझे करना ही पड़ा। अब यार चलो फटाफट से मुझे अपनी जादू शक्तियां निकाल के दे दो नहीं तो देखना अभी मैं तुम्हें मारने के लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे यार ये क्या यार तुम तो इतना बड़ा हथियार लेकर आ गए। बिल्कुल यार मैं लेकर आ गया। अब यार चलो बड़ा अपनी जादू शक्तियां दे दो और यार मुझे
माला माल कर दो। अरे सिंचा सर, मैंने आपको हजारों बार कहा है कि मेरे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है, पर आप तो मेरी बात नहीं सुनते है यार, मुझसे जबान लड़ाते हो तुम सारे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम तो दिमाग खराब कर रहे हो। अरे सिंचा सर प्लीज मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, बट यार तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ नहीं दे रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे प्लीज सिंचा सर मुझे मारो मत। यार मारू कैसे ना, तुम्हारे तो मैं जान ले करूंगा। चलो यार पढ़ाचे मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ दो। अबे छोड़ भाई, सिंचान कहा उसको मार रहा है, वही चौप के बच्चे। अब तू भी अपना मुंह बंद रख, मुझे आज किसी भी हालत में मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ चाहिए। अरे सिंचान सर मेरे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है, लग गया। प्लीज मत मारो सिंचान सर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मत मारो, मेरी बीवी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हारी बच्ची को भी मार दूंगा। अरे सिंचान सर आप कितने ज्यादा बुरे हो यार, आपके पास इतने सारे पैसे होकर हम गरीबों को आप मार रहे हो। सिंचान सर मत मारो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, पढ़ाट से मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो साले, तुम्हारी तो मैं जान ले करूंगा। प्लीज सिंचान सर छोड़ दो हमें, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, ये लो वापिस से मारूंगा। बचाओ कोई, बचाओ, बचा लो हमें, इस छोटे से बच्चों से बचा लो, ये मेरी जान ले लेगा। अरे यार बहुत जोर से लग रहा है सिंचान सर, मत मारो। अब भाई सिंचान ये क्या, तूने तो इसकी जान ले ली गुस्से में। अरे छोड़ छोड़ आपके बच्चे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अगर मुझे जादुई शक्तियाँ नहीं दी ना तो मैं भी इसके पास उसकी जादुई शक्तियाँ नहीं रहने दूंगा। अब पर भाई सिंचान ये तो गलत हुआ ना यार, अब अगर भाई पुलिस को पता चल गया तो तू फिक्र क्यों करता है? मैं यार थोड़ी देर बाद आकर इसके बीवी बच्चों को भी मार दूंगा और यार उनको भी फेंक दूंगा गटर के नाले में। अब फिर भाई सिंचान पुलिस तो हमें आराम से पकड़ लेगी, क्या ऐसे भी होता है चौप? बिल्कुल भाई सिंचान ऐसा भी होता है। अब तू ही बता भाई सिंचान उसके बॉडी का अभी हम लोग क्या करे? मुझे तो लगता है अभी हम लोग को इसको कूड़े के डब्बे में फेंकना पड़ेगा, तब तो यार किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब हाँ भाई सिंचान तूने बिल्कुल सही कहा यार, रुक जा एक काम करता हूँ, मैं घर में से काली थैली लेकर आता हूँ और भाई तू कुछ और कूड़ा भी लेकर आ घर का, और एक काम करेंगे सीधा कूड़े के डब्बे में इसको फेंक कर आएंगे। अरे हमें कूड़े के डब्बे में फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता हमारे घर के बाहर यार हर बार कोई तो एक कूड़ा वाला आता है, मैंने तो आज तक उसको देखा नहीं, वो पता नहीं यार घर के बाहर से कूड़ा उठा कर लेके जाता है। हम दोनों एक काम करेंगे, उसको कूड़े के थैली में भर देंगे और यार हमारे घर के बाहर रुक जाएंगे, और यार उस कूड़े वाले को बोल देंगे कि यार इसको कूड़े के डब्बे में फेंकने के लिए। अच्छा ठीक है भाई सिंचान, जैसी तेरी मर्जी। चलो भाई फाइनली यहाँ का भी कूड़ा मैंने उठा लिया, अब चलो गाइस देखते आगे कहीं पे कूड़ा हुआ तो उठा लूंगा, नहीं तो भाई सीधा निकल जाऊंगा भाई डंपिंग ग्राउंड में सारा सारा कूड़ा फेंकने के लिए। फिर तो भाई अपने मजे ही मजे, चलो भाई चलते हैं लेट्स गो। और थोड़ा आगे भाई कूड़ा निकालो, कूड़ा किसी का कूड़ा बचा है तो। हेलो भाई तुम्हारा कूड़ा फेंकना है? हेलो अबे यार ये तो कोई वर्कर लग रहा है, छोड़ो भाई यार एक काम करता हूं सीधा चलता हूं डंपिंग ग्राउंड में। एक सेकंड भाई, इस घर के बाहर कुछ कूड़ा रखा हुआ है, लगता है भाई इस घर के बाहर का कूड़ा उठाना ही है। चलो भाई फटाफट से उठा ही लेते हैं, लेट्स गो गाइस, चलते फटाफट से भाई उठाते कूड़ा। एक सेकंड यार ये क्या भाई, ये तो सिंचान चौप है यार, फेंकी भी आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? अरे सिंचान भाई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो वो बताओ मुझे। फेंकी भाई वो तो यार मैं तो यार यही पर रहता हूँ। क्या तू यहाँ पर रहता है? बिल्कुल यार फेंकी भाई, जब से मैंने आपको छोड़ा ना तब से यार मैं यही पर रहता हूँ। मतलब भाई यहाँ पर तो कुछ गाड़ी वाड़ी धोने का काम करता है क्या? नहीं यार फेंकी भाई मैं यहाँ पर गाड़ी धोने का काम नहीं करता, तो क्या करता है भाई बता तो सही। अब भाई कल भाई इस घर के मालिक है हम लोग। मालिक क्या कहा, इस घर के मालिक हो तुम लोग? बिल्कुल भाई कल भाई इस घर के मालिक है हम लोग। और भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है वो तो बता। अबे कुछ नहीं भाई, मैं तो कूड़ा उठाने के लिए आता है यहाँ पे, देखा ये गरीब साला अभी कूड़ा उठाता है। अबे क्या का गरीब साला, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम तो यार बहुत ज्यादा गरीब बन गए फेंकी भी आप तो। अबे सिंचान अपना मुंह संभाल के बात कर ले। और भाई ये कूड़ा कैसा कूड़ा है भाई, इसके अंदर से भाई ये सब क्या निकला है? भाई ये लाल लाल कलर का पानी है। हाँ फेंकी भाई ये तो एक पेंट है, जो कि आज हमारा चौपर पेंटिंग कर रहा था तब यार ये गिर गया, तो मैंने सोचा चलो यार इसको भी फेंक देते। अब यार क्या तुम लोग भी। बट यार सिंचान मुझे एक बात बता यार, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया? और भाई ये क्या यार, ये सारी की सारी सिक्योरिटी तुम्हारी है? बिल्कुल यार फेंकी भाई सारी की सारी सिक्योरिटी हमारी है। अबे जा भाई पागल बना रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं यार हम लोग यार सिंचान शर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है। क्या सच बोल रहा है भाई तू? बिल्कुल यार हम लोग सिंचान शर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है, और तुम्हें पता नहीं तो मैं ही बता देता हूँ कि सिंचान सर यार अभी लॉस सेंटर्स के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। क्या कहा बिजनेसमैन? अबे जा भाई पागल मत बनाओ भाई, सब कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार तुम लोग तो। अरे नहीं नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ, हमारे सिंचान शर्ट के अभी बहुत बड़े बड़े होटल है अपने लॉस सेंटर्स के अंदर। अबे क्या भाई तुम लोग सच बोल रहे हो? बिल्कुल यार फेंकी भाई हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी सच बोल रहा है। अबे यार भाई सब ये सब कैसे हुआ यार? फेंकी भाई वो तो यार बड़ी लंबी कहानी है, तो अभी एक काम करो फटाफट से इस कूड़े को उठाओ और यार चुपचाप से निकलो यहाँ से। अबे पर भाई मुझे बताओ तो सही यार, तुम लोग इतना अमीर कैसे बन गए? अरे छोड़ो ना फ्रैंकली भैया, तुम्हारी औकात से बाहर है वो सब। और यार एक सेकंड वो देखो यार, हमारे पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियों की लाइन भी लगी हुई है। अरे हाँ यार ये देखो गाइस यार, यहाँ पर तो भाई 101 बढ़िया बढ़िया कार्स की लाइन लगी हुई है। ये तो भाई बुगाटी है यार। सिंचान भाई मैं एक काम करूँ, इस बुगाटी में एक बार एक राइड मार के आऊ? नहीं यार तुम्हारी औकात नहीं इतनी महंगी बुगाटी के अंदर बैठने की। अबे प्लीज यार सिंचान भाई मुझे बैठने दे यार, भाई मेरा बड़ा सपना था भाई मुझे बुगाटी चलानी थी। नहीं यार मुझे तो खुद की बुगाटी लेनी है, फिर भी यार फ्रैंकली भाई मैं आपको चलाने नहीं देने वाला। अब यार ये लोग तो भाई अपने बुगाटी की एक भी राइड नहीं देने वाले मुझे। बट यार ये देखो गाइस, और बिल्कुल सेम टू सेम दो गाड़ियां लेकर रखी है। हाँ वो तो एक मुझे पसंद है और यार एक चौप को पसंद है। अब यार ये लोग के पास
पास तो बहुत सारे पैसे आ गए यार। बट भाई सिंचर मुझे एक बात बता यार, तुम लोग भाई जब से मुझे छोड़ के चले गए तब से भाई तुम लोग इतने अमीर हो। बिल्कुल यार, हम लोग तब से ही बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। तो भाई सिंचर एक काम कर यार, तुम्हारे पास भाई इतने सारे पैसे है तो भाई मुझे भी अपने साथ रख लो। अब भाई कल भाई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बात कर, सारे तेरे औकात ने हमारे सामने खड़े रहने की और आया भाई हमारे साथ रहने के लिए। अब भाई चौब तू भूल गया, मैंने भाई तुझे बचपन से संभाला है, जितना भाई तू छोटा था ना तब से भाई तेरी फिक्र की मैंने और भाई तुझे हर एक चीज दिलाई थी मैंने। अब नहीं भाई कल भाई एक बार तूने मुझे बर्गर नहीं खिलाया था इसलिए भाई मैं तुझे अपने साथ नहीं रखने वाला। अब यार गाइस तुम लोग देख रहे हो इसको भाई मैंने हर बार ये वो खिलाया, बट यार ये देखो यार मुझे अपने साथ रखने से मना कर रहा है। बस भाई मैंने उसको एक बार बर्गर नहीं खिलाया था इसलिए। अब भाई क्या करो यार, ये लोग तो भाई जब से बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं यार, गरीब गरीब बोले जा रहा है। अब भाई क्या करो, छोड़ो भाई मुझे नहीं रहना इन लोग के साथ, मैं भाई अपना काम करके यार बहुत ज्यादा खुश हूँ। छोड़ यार एक काम करता, फटाफट से कूड़ा उठा ही लेता हूँ। हाँ उठा उठा फटाफट से कूड़ा, क्योंकि यार तुम्हारे औकात ही कूड़ा उठाने वाली है। अब भाई सिंचर मैं चुपचाप से अपना कूड़ा उठा रहा हूँ भाई, अपना काम कर ले भाई, दिमाग मत खराब कर मेरा। हाँ उठा उठा कूड़ा। वैसे भी यार आपको पता है हमारे वीडियो के तो यार सब लोग लाइक करते हैं और यार हमारे चैनल को भी सब लोग सब्सक्राइब करते हैं। हाँ तो भाई उसमें क्या हो गया। अब भाई कल भाई तेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं करता और ना ही भाई तेरे चैनल को भी कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अब जा भाई तुम दोनों को क्या करना है, मैं भाई अपने बोरेड गेमिंग के आर्मी से भाई बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और यार वो लोग भाई मेरे वीडियो को लाइक भी करते हैं और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। वो लोग भाई तुम लोगों की तरह नहीं है जो कि भाई थोड़े से पैसे आ गए तो भाई घमंड आ गया तुम लोग के बीच में। अरे जाओ यार हमें तो सब कुछ पता है, चलो अभी फटाफट से कूड़ा उठाओ और यार कल आ जाना यहाँ पर वापिस 10,000 रुपए लेने के लिए अपने महीने के पैसे। हाँ भाई आ जाऊंगा यार, चलो गाइस उठाता भाई फटाफट से कूड़ा। वैसे भी यार आज भाई बहुत ज्यादा तगड़ी वाली बेइज्जती हो गई मेरी। चलो गाइस मैंने कूड़ा उठाकर तो रख दिया, अब भाई निकलता यहाँ से फटाफट से। हाँ निकलो गरीब साले फ्रैंकलिन भैया। अब सिंचर अपना मुंह बंद रख यार, दिमाग खराब किया जा रहा है जब से गरीब गरीब किया जा रहा है। भाई जिस दिन यार मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा ना तब तुम्हें दिखाऊंगा कि भाई साहब मैं भी कौन हूँ। हाँ निकलो निकलो, वो दिन कभी भी नहीं आने वाला। अबे जा भाई दिमाग मत खराब कर। गाइस तुम लोगों ने देखा कि भाई ये सिंचर और चौप में भाई कितना ज्यादा एटीट्यूड आ गया यार, मतलब भाई थोड़े से इन लोगों ने होटल्स का डाल दिया भाई अपने लॉस सेंटर्स के अंदर। भाई ये लोग तो सीधा मुझे गरीब गरीब बोलने लगे यार। अब छोड़ यार भाई साहब कहा मैं भी इनकी बात लेकर बैठा यार, मैंने तो भाई इनका कूड़ा उठा लिया। अब भाई एक काम करता भाई, सारा कूड़ा जाकर फेंक कराऊंगा अपने डंपिंग ग्राउंड में और भाई सीधा घर पे जाकर सो जाऊंगा, क्योंकि यार गाइस अभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा यार। वो तो इसलिए गाइस क्योंकि यार आपने अभी देखा यार ये सिंचर और चौप ने तो एकदम तगड़ी वाली बेइज्जती तो मेरी मार दिया। बट फिर भी गाइस यार आप लोग उनके वीडियो को लाइक करते हो और भाई मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, तो गाइस यार आप लोग एक काम कर दो, आप लोग भाई मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो गाइस यार एक काम कर देना भाई, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस जा फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं अपने वीडियोस के अंदर आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देते रहता हूं, तो चलो गाइस मैं आज फिर आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देने वाला अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस यार आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने अंचल जी को, इनका बर्थडे आता है 26 जून को। तो अंचल जी आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने आतिफ भाई को, इनका बर्थडे आता है 19 सितंबर को। तो आतिफ भाई आपका बर्थडे तो यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने युवराज भाई को, इनका बर्थडे आता है 22 सितंबर को। तो युवराज भाई आपका बर्थडे भी यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार कोई दिक्कत की बात नहीं यार आतिफ भाई और यार अपने युवराज भाई आपका बर्थडे यार कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, उस दिन भी यार मैं आपको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट जरूर देकर रहूंगा। और यार युवराज भाई आपको भी यार मेरे वीडियोस के अंदर एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट यार और एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस। और गाइस आपको भी मेरे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस यार एक काम कर देना यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और भाई फटाफट से कमेंट के अंदर अपनी नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना, ताकि गाइस यार मैं आप सभी को ऐसे डेली शाउट आउट दे सकूं। और गाइस अभी चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते भाई फटाफट से अपने उस डंपिंग ग्राउंड में, जहाँ पर भाई मैं अभी सारा कूड़ा फेंक कर भाई वापस अपने घर पे जाने वाला हूँ। फिलहाल तो चलो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते भाई फटाफट से उस डंपिंग ग्राउंड के पास, लेट्स गो। अभी तो गाइस मैं जा रहा हूँ यार उसी डंपिंग ग्राउंड की तरफ, बस भाई मुझे यहाँ से लेफ्ट मारना है और भाई मैं बस पहुंच ही जाऊंगा। मतलब यार गाइस वो कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर यार गाइस बस मुझे एक बड़ी सी लेक मिली थी, उसी के अंदर भाई मैं सारा कूड़ा हर बार फेंक कर चला जाता हूँ और यार उस जगह को मैंने नाम दिया भाई डंपिंग ग्राउंड। वैसे गाइस यार वो देखो वो रात सामने माउंट लियार्ड, इसी तरफ आता हूँ गाइस मैं डेली भाई ये सारा कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि यार गाइस यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए कोई है नहीं यार। और गाइस जो एक्चुअल डंपिंग ग्राउंड है वो भाई यहाँ से बड़ा दूर है यार, इसलिए गाइस यार मैं भाई अपना पेट्रोल का पैसे बचाने के लिए भाई इसी तरफ आता हूँ भाई इस कूड़े को फेंकने के लिए और भाई इस बड़े से लेक के अंदर इस सारे के सारे कूड़े को भाई बहा देता हूँ हर बार की तरह। और भाई आज भी यार इस सारे के सारे कूड़े को भाई ऐसे इस लेक के अंदर बहा देने वाला, लैड्स को चलते भाई फटाफट से अंदर और भाई फेंक देंगे इस कूड़े को फटाफट से। लैड्स को गाइस मैंने अपने स्टॉक को यहाँ पर लगा तो दिया है, अब चलते गाइस फटाफट से भाई निकाल दी सारे के सारे कूड़े को। चलो भाई एक सेकंड, अबे ये क्या है भाई मेरे सामने, अबे ये कौन सा इंसान आ गया भाई मेरे ट्रक के अंदर। अरे यार गाइस तुम लोग ये देखो भाई मेरे ट्रक के अंदर ये इंसान कब आकर बैठ गया। अबे यार मैंने तो ट्रक बीच में कहीं रोका ही नहीं था, तो भाई ये कहाँ से आ गया। अरे यार प्लीज मेरी जान बचा लो, प्लीज मेरी जान बचा लो। अरे क्या बोला भाई जान बचा लो। अरे बिल्कुल यार प्लीज मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई कैसे मर जाएगा तू।
वो यार सिंचान मुझे मार देगा। क्या कहा, सिंचान मार देगा? बिल्कुल यार, वो सिंचान मेरी जान ले लेगा। प्लीज यार मेरी जान बचा लो। पहले यार उसने बहुत सारे अटैक किए मेरे ऊपर एक हथियार से, और यार मेरे अंदर से बहुत सारा खून भी बह गया। प्लीज यार मेरी जान बचा लो। अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो 5-10 मिनट में मेरी जान चली जाएगी। अबे रुको यार गाइस, भाई साहब मुझे फटाफट से भाई उस इंसान को निकालना होगा। एक काम करता, पहले तो अपने ट्रक को आगे लेता हूँ, फिर भाई वो खुद ब खुद नीचे आ ही जाएगा। चलो 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 गाइस उतरते हैं। आओ गाइस अभी चलकर देखते फटाफट से भाई उसकी तबीयत तो ठीक है ना। ये देखो गाइस यार ये इंसान तो बाहर आ गया। अरे भाई मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारी हालत भाई इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? अरे वो तो सिंचान ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है। क्या, सिंचान ने मारा? पर भाई उसने क्यों मारा तुम्हें? वो तो इसलिए यार, क्योंकि यार मैं उसको अपनी जादुई शक्तियां नहीं दे रहा था। क्या कहा, जादुई शक्तियां? अब ये कौन सी जादुई शक्तियों की बात चल रही है? दरअसल यार मेरे पापा जी ने वरदान दिया था कि यार मैं यार अपने मन के अंदर जिस भी चीज को गोल्ड के अंदर चेंज करना चाहूँ मैं यार उस चीज को गोल्ड के अंदर चेंज कर सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल यार ऐसे हो सकता है, तुम्हें मैं दिखाऊँ? अरे हाँ भाई दिखा यार, रुको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी फटाफट से बहुत सारा गोल्ड आ जाए। अरे हाँ यार गाइस तुम लोग ये देखो भाई, यहाँ पर तो लिटरली भाई कितना सारा गोल्ड आ गया। अरे हाँ देखिए मेरी जादुई शक्तियाँ। अबे हाँ भाई ये तो मैंने देख ली, पर भाई ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल यार मेरे पापा को भगवान से वरदान मिला था कि वो यार अपने मन के अंदर जो चाहे वो मांग सकता है। तो जब यार मेरे पापा जी बूढ़े हो गए तो यार उन्होंने अपनी जादुई शक्तियां मुझे दे दी, और अब मैं चला सकता हूँ इन जादुई शक्तियों को। पर यार अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ। अरे अरे भाई तो फिकर मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा। बट पहले मुझे एक बात बता यार, क्यों सिंचान ने तुझे मारा क्यों? अरे मैंने कहा ना सिंचान को मेरी ये जादुई शक्तियां चाहिए थी। अबे पर उसको क्यों चाहिए तेरी जादुई शक्तियां? क्योंकि यार उसको लॉस सेंटोस का बहुत ज्यादा अमीर इंसान बनना है। अबे जाओ जाओ भाई, सिंचान इतना लालची नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है बट यार सिंचान बहुत ज्यादा लालची है। अबे हाँ भाई हो तो सकता है यार, क्योंकि यार गाइस आज आपने सुबह देखा ही था कि भाई सिंचान ने आज मेरी क्या ही तगड़ी वाली बेइज्जती मारी थी यार। अब भाई मैं क्या करूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इसकी कैसे जान बचाऊँ, भाई कैसे लेके जाऊंगा। अपना ट्रक तो भाई बहुत ज्यादा स्लो है। एक काम करूँ भाई, इस प्लेन को लेके जाऊँ और फिर भाई उस बंदे को इस प्लेन के अंदर बिठा दूंगा और सीधा भाई उसको हॉस्पिटल में पहुंचा सकता हूँ मैं। अबे हाँ भाई ये पॉसिबल है। मर गया। अरे यार वापस से उसकी आवाज आई थी। रुको रुको गाइस फटाफट से जाकर देखता हूँ। अबे भाई तुझे क्या हो गया अब? अरे यार मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, बट यार तुम्हें पता है सिंचान ने यार अभी भी मेरे छोटी सी बच्ची को और यार मेरे बीवी को पकड़ के रखा है। अबे यार उनको क्यों पकड़ के रखा है उसने अभी भी? क्योंकि यार उसको ऐसा लगता है उनके पास भी वो जादुई शक्तियां हो सकती है। अब यार तुम्हें जाकर उनको बचा लो। अबे पर भाई तुझे पता है ना सिंचान के पास कितनी हाई टाइट सिक्योरिटी है। अरे हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां देकर जा रहा हूँ। उसके बाद में यार तुम अपने मन के अंदर जो चाहे मांग लेना, तुम्हें वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। भाई तू सच बोल रहा है? बिल्कुल यार, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ओम प्रेम श्रीम इस बच्चे की प्रॉब्लम सुझा स्क्रीम। अबे भाई तू क्या बोल रहा है, एक सेकंड। अबे यार ये क्या हो रहा है भाई मेरे अंदर से, क्या हो रहा है? अरे मेरी जादुई शक्तियां तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। अबे पर ये कैसी जादुई शक्तियां भाई, ये पता नहीं यार कितना अजीब सा धुआं है, और भाई इसका स्मेल तो भाई कितनी ज्यादा गंदी यार। अबे हट जा भाई मेरे अंदर से। अबे पता नहीं भाई ये तो जब से आए जा रहा है यार। गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अबे प्लीज भाई रोक दे यार ये सब। अरे रुको रुको यार, थोड़ी देर सब्र करो, ये धुआं अपने आप रुक जाएगा। फिर यार जैसे मैंने अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था, तुम भी कर सकते हो इस जादुई शक्तियों का इस्तेमाल। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है भाई देखेंगे यार। बट यार गाइस यार मुझे डर तो बड़ा लग रहा है यार। अगर गाइस यार आप लोग भी चाहते हो कि भाई ये जादू करके भाई शक्तियां मेरे अंदर आ जाए, तो गाइस यार एक काम कर दो यार, फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर जा फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि गाइस यार ये सारी सारी पावर्स मेरे अंदर यूज हो पाए। अब पता नहीं भाई कितना टाइम लगने वाला है। एक सेकंड यार ये देखो भाई ये सब तो गायब हो गया। अबे हाँ भाई ये सब तो गायब हो गया। अरे ये देख भाई जादूगर ये धुआं रुक गया मेरे अंदर से। हेलो हेलो भाई जादूगर। अबे हेलो उठ जा। अबे यार ये तो उठ ही नहीं रहा। अबे यार मुझे लगता है भाई चला गया क्या ऊपर। अबे हाँ भाई हो तो सकता है यार। वैसे गाइस यार ये देखो भाई इसका कितना खून बह गया यार। अबे यार ये सिंचान के बच्चे को भाई मैं छोड़ूंगा नहीं यार, उसने देखो यार क्या हालत कर दी इसकी। रुको भाई यार इसका बदला तो मैं सिंचान से लेकर रहूंगा, बट यार उससे पहले मैं अपनी जादू शक्तियां इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ। रुको रुको भाई क्या करूँ, एक सेकंड भाई। इस प्लेन को भाई गोल्ड का बनाऊ? हाँ भाई चला भाई गोल्ड का बनाता हूँ या फिर भाई डायमंड का बना दूंगा। तो चलो भाई इस प्लेन को अभी फटाफट से आधा गोल्ड के अंदर आधा डायमंड के अंदर चेंज कर दो। ये देखो गाइस यार ये प्लेन का कलर बिल्कुल गोल्ड की तरह हो गया यार, और भाई इसके पहिए कुछ डायमंड की तरह हो गए, मतलब यार उसके पहियों के ऊपर जो लगा हुआ वो डायमंड का हो गया। और गाइस यार तुम लोग देख ही सकते हो भाई, मैंने बस कहा कि भाई प्लेन गोल्ड का बन जाए और भाई ये तो लिटरली गोल्ड का बन गया यार। रुको रुको गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ पर और भी कुछ मांग कर देखता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो यार, यहाँ पर अभी फटाफट से बहुत सारे पैसे आ जाए। और यार ये देखो गाइस यार यहाँ पर सीधा पैसों की लाइन लग गई। अब यार ये ज्यादा
जादूगर सच तो नहीं बोल रहा था? अबे हाँ यार, वो तो हो ही रहा यार। तुम लोग देखो गाइस यार, यहाँ पर कितने सारे पैसे भाई, इतने सारे पैसे से तो यार मैं कितना ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। अबे रुका भाई, मजा आ गया। अब एक काम करता गाइस, जो कि इस जादूगर ने कहा है कि भाई इसके बच्चे और इसकी वाइफ को बचाने के लिए अभी जाकर बचाता हूँ। सिंचैन को बच्चे को तो मैं अभी छोड़ने नहीं वाला, बट यार वहाँ पर तो कितनी हाई टाइट सिक्योरिटी है। और यार ये देखो भाई, मेरे पास एक भी वेपन नहीं है। रुको भाई, काम करता हूँ, बहुत सारे वेपन मांगता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो, मेरे पास अभी फटाफट से बहुत सारे वेपन आ जाए। और यार ये देखो गाइस यार, मेरे हाथ में भाई सीधा ग्रेनेड लॉन्चर आ गया। अब यार ये क्या खतरनाक है, ये देखो गाइस यार भाई, इतने खतरनाक वाले वेपन आ गए मेरे हाथ में। भाई यार मुझे तो पता ही नहीं था। और भाई और यार ये देखो भाई, मेरे ऊपर गोलियां चलाने आ रहा है, ये तो बचने नहीं वाला। साले बुड्ढे, तू मुझे मारेगा, वापस उठा साले, ये ले, दिमाग खराब कर रहा है। और यार ये देखो गाइस यार, AK-47। अब भाई यार तुम लोग क्या मार रहे हो मुझे भाई, मेरे पास पूरी गोल्ड की AK-47 है। अरे यार गाइस, तुम लोग एक बार देखो तो सही, लिटरली भाई गोल्ड की AK-47 है। वाह भाई मजा आ गया यार, मतलब भाई मैंने वेपन भी मांग लिए, वो भी भाई गोल्ड के आ गए। वाह भाई ये तो बढ़िया है। अब एक काम करता गाइस, आपने एकदम मस्त वाली गोल्ड या फिर डायमंड की कार मांगता हूँ। तो चलो अब एक काम करो यार, यहाँ पर अभी एकदम बढ़िया वाली फरारी आ जाए, वो भी यार चाहिए तो गोल्ड के आने दो या फिर डायमंड के आने दो। और यार ये देखो गाइस यार, यहाँ पर लिटरली गोल्ड की फरारी आ गई। अरे वाह भाई मजा आ गया, मेरे तो नसीबे चमक गया। अब चलो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं भाई सिंचैन के घर पे, और जाकर मैं अपने सिंचैन से बदला लेते हैं। क्योंकि यार गाइस आपने अभी देखा है भाई, सिंचैन ने कितनी ज्यादा बुरी हालत की थी सिंचैन की। और भाई यार उसने अपनी जो शक्तियां दी है मुझे, इन शक्तियों का गाइस यार मैं एकदम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। और भाई यार बहुत सारे गरीबों की मदद करूंगा। बट यार इसने अपनी जान बचाने के लिए सिंचैन को अपनी शक्तियां क्यों नहीं दी? मुझे लगता है गाइस यार ये बस यार अच्छे लोगों की मदद करता होगा। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, वो अभी यार गाइस वो तो मुझे भी नहीं पता। बट यार गाइस यार मुझे अभी जल्द से जल्द सिंचैन के घर पे पहुंचना होगा, क्योंकि यार गाइस यार उसने कहा है कि यार सिंचैन के पास अभी भी उसकी बीबी और बच्चे है। अगर भाई उसने उन दोनों को भी मार दिया ना भाई, तब तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और भाई मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा यार, इसलिए गाइस अभी भगा दे अपने इस फरारी को एकदम सुपर फास्ट स्पीड में। और भाई चलते यार फटाफट से सिंचैन के घर पे, और जाकर भाई सिंचैन को बताते हैं उसको यार उसके गलती की सजा जरूर मिलने वाली है। चलो गाइस चलते फटाफट से अभी, लेट्स गो। और राइट गाइस, मैं बस अभी पहुंचने वाला हूं सिंचैन के मोहल्ले के अंदर, और भाई वहां पर जाकर अभी सिंचैन से बदला तो लेने वाला हूं। ये देखो गाइस यार मैं पहुंच चुका हूं, यही है भाई सिंचैन का घर। हां भाई ये देखो यही है। अभी चलते गाइस सीधा सिंचैन के घर के अंदर। एक काम करता, अपनी कार यहीं पर बाहर पार्क कर देता हूं। अब देखो गाइस यार मैं क्या करता हूं, सीधा सभी को मार दूंगा। ये देखो अबे यार साला गाड़ी वाला उड़ा के चला गया। अबे यार भाई गोलियां लग रही है मुझे, भाई चुपने दो यहाँ पर अपनी कार के पीछे। भाई यार इनको तो छोड़ूंगा नहीं, सारे तुम लोग मुझे मारोगे। अबे यार रुको भाई, चुपने दो भाई, उसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अभी भाई मेरे ऊपर गोलियां चलाने लग गए। फिर भी गाइस यार मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला, और भाई ना ही मैं किसी से डरता हूं यार। भाई सभी को गोलियां मार मार के भाई सबकी जान ले लूंगा। और गाइस यार रुको यार, अब मैं क्या करूं भाई, रिलोड करता हूं फटाफट अपनी गन, और भाई सीधा अभी घुस जाता हूं सिंचैन के घर के अंदर। लेट्स गो भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और भाई जाकर यार उस जादूगर के बीवी बच्चे को बचाऊंगा। ये देखो गाइस यार, और कौन कौन है भाई, ये देखो यार यहाँ पर तीन तीन लोग आकर मुझे गोलियां मार रहे थे। अरे भाई मैं किसी से नहीं डरता यार, सबको मारूंगा भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और कौन है भाई, कहाँ से गोलियां चला रहा है? रुको रुको गाइस यार, मुझे लगता है मैंने सभी को मार दिया यार। फैंकी भाई आपने क्या कर दिया? मैंने क्या किया भाई सिंचैन, तूने क्या किया वो बता मुझे। फैंकी भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर भाई सिंचैन ये सब क्या चल रहा है? अब भाई कल भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने के लिए? अब भाई तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो भाई तुम लोगों का भी उड़ा दूंगा। वैसे भी यार मैंने तुम्हारे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। अब भाई कल भाई क्या बात कर रहा है, सच में मार दिया? अब तो भाई तू क्या अंधा है क्या, देख नहीं पा रहा? अब भाई सिंचैन इसने तो हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया यार। फैंकी भाई पर आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि भाई सिंचैन तूने जादूगर की जान लेना, उसने भाई उसकी पावर्स मुझे दे दी। क्या कहा, उसने अपनी पावर्स आपको दे दी? देखा चौप, मैंने कहा था ना उसके पास बढ़िया वाली जादुई पावर्स थी। अब हाँ भाई उसके पास जादुई पावर्स थी, पर भाई साहब वो बस यार ऐसे लोगों की मदद करता है जो कि भाई मन से अच्छे हो। तुम लोग की तरह लालची नहीं, जो कि भाई तुम लोगों ने उसको कैद करके रखा। और भाई सिंचैन आज तो तुमने उसकी जान ही ले ली। हाँ फैंकी भाई मैंने तो बस गुस्से में ले ली यार, मुझे माफ कर दो। अब माफी वाफी छोड़ भाई, तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाला। साले यार तेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को तो मैंने मार दिया, अब तुम लोग को भाई मैं सजा देकर रहूंगा। प्लीज यार फैंकी भाई मुझे माफ कर दो यार, मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूंगा। यार भाई ये सिंचैन तो माफी मांग रहा है यार। गाइस यार आप लोग एक काम करो यार, मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ कि भाई मुझे सिंचैन और चॉप के साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि यार गाइस पहले तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी दी थी, बट यार गाइस इनको गलती करते समय कुछ समझा नहीं क्या? इसलिए गाइस यार मैं सारी की सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप यार मुझे कमेंट के अंदर बता देना कि यार मुझे सिंचैन को अपनी गलती की सजा देनी चाहिए या फिर नहीं यार। बट यार आंटी आप यार ऐसे घुटने के ऊपर मत बैठो, मैं यार आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं यार आपके लिए बहुत सारे पैसे मंगवा कर देता अभी। तो चलो अभी एक काम करो यार, यहाँ पर अभी फटाफट से बहुत सारे पैसे आ जाओ। अरे नहीं आंटी थैंक यू की कोई बात नहीं है। और ये देखो गाइस यार यहाँ पर कितने सारे पैसे आ गए। और गाइस मैंने आंटी को बता भी दिया कि आज जाकर अपने इस बच्ची का भाई एकदम बढ़िया तरीके से ख्याल रखना, और भाई इसको एकदम मस्त वाले स्कूल में पढ़ाना। और भाई अब मैं चाहता हूँ कि यार सिंचैन और चॉप यार फटाफट से रास्ते के ऊपर जाकर भीख मांगे। अरे फैंकी भाई आपने ये क्या बोल दिया? और ये देखो यार गाइस सिंचैन और चॉप तो यहाँ से गायब हो गया यार। चलो गाइस यार मुझे अभी उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो भाई सिंचैन और चॉप को यहाँ से गायब कर दिया। वो तो अभी कहीं रास्ते के ऊपर भीख मांग रहे होंगे, वो तो यार अभी उन लोगों की गलती की सजा है। बट यार गाइस मैं चाहता हूँ कि यार उन लोगों को और भी एकदम तगड़ी वाली सजा दूँ, क्योंकि यार गाइस यार उन लोगों ने आज एक इंसान की जान लिया। बट यार गाइस मैंने भी यार उन सभी के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा, बट यार मुझे मारना पड़ता यार, क्योंकि यार गाइस वो लोग मुझे अंदर जाने का मौका ही नहीं देते
था फिर, इसलिए गाइस यार मैंने तो उन लोग को मार दिया। बट यार गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जाकर अपने लिए भी यार इन पावर का इस्तेमाल करके कुछ गोल्ड और डायमंड मंगवा लिया जाए और भाई साथ ही अपने लिए एकदम बढ़िया सा मेंशन भी खरीद लिया जाए। हाँ भाई वो सब तो बाद में देखेंगे। बट यार गाइस आपने अभी देख ही लिया कि भाई मैं यार अभी लॉस सैंटोस का बॉस द अमीर इंसान बन चुका हूँ और भाई अब तो मेरे पास ऐसी पावर्स है जिसके कारण भाई मैं जो चाहे मांग सकता हूँ। और यार साथ ही आज तो मैंने भाई कुछ लोगों की मदद भी कर दी, इसलिए गाइस यार आज तो भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बट यार गाइस आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो गाइस यार एक काम कर देना यार, फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ गाइस यार फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चलो गाइस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं ऐसे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।